नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम सभी ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप पास करते हैं ग्रुप डी 2019 के फॉर्म में मॉडिफिकेशन लिंक को ओपन करवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक का जो हम लोगों ने केस किया है उसका क्या अपडेट है, और जो हम लोगों ने केस दोस्तों यहाँ पर फाइल करी है उसमें दोस्तों कुछ डिफेक्ट आए हैं उसका दोस्तों अभी तक का क्या अपडेट है, और फर्स्ट ईयरिंग की डेट कब है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल से अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने इस डायरी नंबर से जब केस को ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 19 डेज के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारा जो केस है ये इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस रहने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत आया है। ये दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है कल कोर्ट बंद था इसलिए ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएगा। और हमारी एडवोकेट सर से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि विद इन अ 1 वीक के अंतर्गत हमारे केस की फर्स्ट हियरिंग डेट आ जाएगी। और दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो वहाँ पर टाइमिंग जो है और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। और जो भी दोस्तों हो सकता है जल्दी करने की पूरी कोशिश हमारे एडवोकेट सर कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला है कि विद इन अ 1 वीक हम लोगों को फर्स्ट हियरिंग डेट मिल जाएगा, और जैसे ही दोस्तों डेट मिल जाता है मैं आपको सूचित कर दूंगा। बाकी दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए कि केस यहाँ पर जो है डिफेक्ट आ गया है, 90 दिन के लिए यहाँ पर टाइमिंग दे रहा है, ये दोस्तों कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये दोस्तों जल्दी कल परसों में ठीक हो जाएगा और जो आगे का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हम आगे बढ़ा पाएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अभी तक का जो हमारे पास फीस कलेक्शन हुआ है वो दोस्तों टोटल ओवरऑल मिला करके जो जनरल ज्ञान वाले सर हैं रवि जी और हमारे पास जो कलेक्शन हुआ है टोटल मिला करके मैं आपको बताऊं तो लगभग 23,500 तक कलेक्शन हो पाया है। तो प्लीज़ आप लोग पेमेंट भी करें, पेमेंट करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी पेमेंट नहीं किया है प्लीज़ आप पेमेंट करें। पेमेंट इसलिए हमारे पास कम कलेक्शन हो पा रहा है कि जो लोग पेमेंट करते हैं वो लगभग 50 से 100 रुपये तक ही पेमेंट करते हैं, और जिससे कि पेमेंट हमारे पास बहुत ही कम कलेक्शन हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें, और दोस्तों आप लोग के बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि दोस्तों पेमेंट की बहुत रिक्वायर्ड है। और ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो एडवोकेट सर हैं काफ़ी कम फीस में हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनका जो एटलीस्ट 30 से 35 हज़ार फीस है मैं वो तो आसानी से पे कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग पेमेंट करें, पेमेंट करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे एडवोकेट सर लगे हुए हैं और जल्दी ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और विद इन अ 1 वीक हम लोगों को जो है फर्स्ट हियरिंग का डेट भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अभी तक का यही अपडेट था, मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ग्रुप डी की जो प्रिपरेशन है वो भी आप लोग जारी रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में आपको नंबर्स भी लाने होंगे कोटा मिलने के बाद भी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी भी जारी रखें और जो हम लोगों का ये कोर्ट का जो वर्क है वो चलता रहेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।